और यूवर्स क्या हाल है? सो दिस इज सिद्धार्थ सिंह एंड आई एम अ थर्ड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ DTU. सो जो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जरूर करनी चाहिए, और इनमें से कुछ चीजें जो मैं नहीं कर पाया हूँ उस चीज का अभी भी मेरे को दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये गलतियां ना करें. तो आप पूरी वीडियो जरूर आखिरी तक देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलो शुरू करी जाए वीडियो. तो गाइस फाइनली सारी एग्जाम्स खत्म हो चुकी है और अब आप लोग कॉलेज जाने वाले हैं जल्दी. कॉलेज जाओगे. तो देखो जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमें एक बड़ा सा पैकेज चाहिए किसी एक अच्छी सी कंपनी में. नहीं यस करेंगे पैसा ही पैसा होगा. और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि एक मस्त फन लविंग एंजॉयिंग एकदम पूरी इंजीनियरिंग लाइफ हो जिसमें हम खूब सारी मेमोरीज बनाए. और तीसरा, यदि आप लड़के हैं तो आपको क्या चाहिए रहता है कि आपके जीवन में एक सुंदर कन्या आए. तो देखो ऊपर की दो चीजें तो बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हो सकती हैं, तीसरी का कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगते हैं उस पर. तो ऊपर की दो चीजें जो आपकी जो सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कॉलेज की, यदि आपको वो सारी पूरी करनी है तो आपको ये जो 2 महीने या जो 3 महीने का आपको जो गैप मिला है, जो ब्रेक मिला है, उसमें आपको अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है. तो देखो टाइम यूटिलाइज करने की बात आती है तो अभी आप लोगों के हिसाब से टाइम अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है? फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, आप चैट पे चैट करो. आपको क्या लगेगा कि बेस्ट तरीका भाई, बहुत मजा आया, पता भी चला 2-3 महीने खत्म. लेकिन यदि आपने इसी टाइम को थोड़ा ढंग से यूटिलाइज करा, ढंग से यूटिलाइज करने का ये मतलब नहीं कि आपको अभी वापस से 10-10 घंटे या 12 घंटे वापस पढ़ना पड़े. नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको 10-10 घंटे नहीं पढ़ने की जरूरत है. लेकिन इस टाइम को यदि आपने कुछ इफेक्टिव चीजें करी जो कि हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको एक एज मिलेगा बाकी लोगों पे से. ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, इसीलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स. तो देखो आप अभी 2 साल से बैठे हुए होगे घर पे, है ना, और जब आप घर पे या तो हॉस्टल पे, और 2 साल में आपने जब तैयारी करी होगी, चाहे वो JEE की हो या आपने नीट की करी हो या किसी और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो आप पूरा ना आउटर, पूरे आउटर वर्ल्ड से आप अलग हो जाते हो. आप पूरे अपने फ्रेंड सर्कल जो आपके स्कूल के थे उनसे थोड़ा आइसोलेट हो जाते हो, रिलेटिव से आइसोलेट हो जाते हो. इस चक्कर में क्या होता है, जो अपनी बातचीत करनी रहती है वो बहुत कम हो जाती है लोगों से. तो देखो अब आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको विभिन्न विभिन्न प्राणी मिलेंगे, मतलब अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई रहेगा हे ब्रो व्हाट्सअप, तो कोई रहेगा और भाई क्या हालचाल, और कुछ तो ऐसे ऐसे रहेंगे कि के बोल रहा है जल्दी बोल टाइम नहीं है. तो देखो ऐसे इतने अलग अलग वेराइटीज के लोग मिलेंगे. और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप मतलब आप कॉलेज में जा रहे हो तो प्लेसमेंट तो देखो ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो मैटर करती है आखिरी तक, वो है रिलेशन. रिलेशन ऐसी चीज है जो है कॉलेज के साथ भी कॉलेज के बाद भी. तो देखो रिलेशनशिप बहुत मैटर करेगी तुम्हारे तुम्हारे जो को जो अपने तुम्हारे साथ वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनके साथ, तुम्हारी और तुम्हारे सीनियर्स की रिलेशनशिप कैसी है, ये सब चीजें मैटर करेगी. अब जब बात आती है कि लोगों से रिलेशनशिप बनानी है हम लोगों को, तो होता है कि कम्युनिकेशन. तो बहुत सारे इंट्रोवर्ट जो स्कूल में ज्यादा कुछ बात नहीं करते, तो वो तो सोचते थे भाई हमारे बस की बात नहीं, हमें तो बहुत डर लगता है. तो देखो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही टाइम है, अब आप लोगों को अपना फियर हटाना है और लोगों से बात करने की कोशिश करनी है. देखो अभी नहीं करा तो सोचो आप फिर आपको कब एक्सपोजर मिलेगा. आपको अब लोगों से जा के बात करनी है. अब जाके बात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को एक खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. खुद पे कॉन्फिडेंस मतलब हमको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स, अब लोग क्या सोचते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स इक्वल्स टू इंग्लिश, जो कि बिल्कुल नहीं है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल एक आर्ट है. आर्ट समझे, आर्ट किस चीज का, कि तुम्हारे आइडियाज हो, तुम्हारे थॉट्स हो, उसको तुम कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो सामने वाले को. और ये ऐसी स्किल है कि तुम्हें अभी कॉलेज में, कॉलेज के बाद पूरे लाइफ टाइम काम आएगी.
क्योंकि तुम यदि तुम प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो भी तुम्हें अपने जो इंटरव्यूअर हो उसको पूरा समझाना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रही है। तो उसके लिए तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि क्या चीज तुम कैसे बता पा रहे हो, कितने परफेक्टली बता पा रहे हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज्यादा इसको हल्के में ले आता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे फर्स्ट पॉइंट लिया है। तो नाउ अब बात आती है कि भैया फर्स्ट ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम इम्प्रूव कैसे करें, हम कैसे इंप्रूव करें इस चीज को। तो देखो इसको इंप्रूव करने के देखो सबसे मतलब बेसिक और सबसे एक ही मतलब मेरे हिसाब से रूल होता है, वो है आपको रीड ज्यादा करना है और राइट ज्यादा करना है। ठीक है, रीड करना है तो ऐसा नहीं कि अब जो हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी थी H.C. वर्मा या अलग अलग टाइप की बुक्स, वो वाली नहीं। अब आपको यदि कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो कॉमिक्स पढ़ो, यदि आप थोड़ा बिजनेस आपको बाद में फ्यूचर में बिजनेस खोलना है मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप बिजनेस वाली बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ो। और आप लोग जब बुक्स पढ़ोगे ना तो आपकी एक तो वोकैब बहुत अच्छी होगी, और वोकैब अच्छी होने के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ऑथर कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे आपके अंदर आइडिया फीड कर रहा है, तो आप ये सारी चीजें भी सीखोगे। और दूसरा जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में अब आता है कि हम क्या लिखें। तो देखो राइटिंग स्किल में कुछ भी लिखना चालू करो, बस अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने अभी IIT JEE दी हो तो IIT JEE दी है तो आप लिखो कि आपका कैसा रहा जर्नी, आपने 11th 12th में क्या करा, आपका स्कूल टाइम के बारे में कुछ लिखो, बेस्ट कुछ मेमोरी अभी तक रही हो वो लिखो। तो आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी और इवेंचुअली आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी। मैं भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे अब वर्क करना चालू कर रहा हूं, तो अपन सब साथ में ग्रो करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट है पॉलिश योर हॉबीज। तो जैसे ही अब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको अलग अलग सोसाइटीज मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल डांस की सोसाइटी होगी, कोई ड्रामा की सोसाइटी होगी, कोई सिंगिंग की सोसाइटी होगी, कोई ड्राइंग की सोसाइटी होगी। और फिर जब उन सोसाइटीज के ऑडिशन चल रहे होंगे ना तो आप लोग फिर उसके बाहर जाके सोचोगे कि यार हम तो 10th तक ही करते थे, मतलब स्कूल टाइम में करा यार, अब तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है अब इन सब चीजों में, तो ऑडिशन दे कि नहीं दे, दे कि नहीं दे, और फिर तुम नहीं दोगे। और ये चीज तुम थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में बाद में रिग्रेट करोगे, मैं भी ये चीज रिग्रेट करता हूं। तो इस चीज को तुम्हें रिग्रेट ना हो किसी चीज का, इसके लिए बेस्ट क्या है, जो भी तुम्हारी हॉबीज थी 10th तक की, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कुछ खेलना पसंद था, चेस खेलना पसंद था, क्रिकेट खेलना पसंद था, बैडमिंटन खेलना पसंद था, या आपको डांस करना अच्छा लगता था, ड्राइंग करना अच्छा लगता था, या सिंगिंग करना अच्छा लगता था, तो जो भी आपकी हॉबीज थी उस पर आप वापस से वर्क करना चालू करो। एक तो इससे आपको थोड़ा मजे भी आएंगे, एंजॉय भी आप करोगे अभी ये वाले 2 या 3 महीने के अंदर, और दूसरी चीज कि आप अपने ना पॉलिश कर रहे हो इन सारी हॉबीज से, ताकि जब भी आप कॉलेज में जाओगे तो आप ये अपने जो हॉबीज है उसको शोकेस कर पाओ। ठीक है, और ये सोसाइटीज में जितना आप पार्ट रहते हो ना उतना अच्छा आपकी कॉलेज लाइफ होती है। थर्ड पॉइंट, चूजिंग बेस्ट लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो देखो चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, या आप बायो वाले बैकग्राउंड से आ रहे हो, या आप अब इंजीनियरिंग परस्यू करने वाले हो, आप सभी लोगों को एक कॉमन गैजेट जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो है लैपटॉप। तो लैपटॉप लेते टाइम हमें काफी अच्छे से रिसर्च करनी है कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, इसके लिए हम लोग की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होता है। देखो यदि मेरे को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या PPTs वाला काम है तो मेरे को कम कॉन्फ़िगरेशन वाला चलेगा, i3 i5 वाले चलेंगे। और यदि मेरे को गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, उसके लिए मेरे को हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले चाहिए, मेरे को रैम हाई चाहिए, ग्राफिक कार्ड अच्छा चाहिए। तो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम लोग को अच्छे से रिसर्च करना है और बेस्ट लैपटॉप चूज करना है अपने बजट के अंडर में। और अभी अक्टूबर नवंबर में कभी सेल अमेजोन की और फ्लिपकार्ट की आने वाली है, तो आप उस चीज का भी फायदा उठा के थोड़ा सस्ते में ले सकते हैं। और यदि आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट लैपटॉप होगा तो आप कमेंट में नीचे लिखिए। फोर्थ पॉइंट होता है कि लर्निंग कोडिंग स्किल्स। तो देखो ऐसा है कि यार अब यदि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो ये चीज मस्ट मस्ट है कि आपको कोडिंग सीखनी ही पड़ेगी। तो यदि आप लोग यदि मान लो दूसरे कोई आपने फिजिकल एजुकेशन लिया, कोई अदर आपने इलेक्टिव लिया था आपने 12th में, तो आप लोगों ने कुल मिला के कोडिंग बिल्कुल आपको नहीं पता, आपको जीरो कोडिंग पता है। और सिंस आप लोग अभी जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या कंप्यूटर साइंस हो, सारी ब्रांचेस को एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता ही है। तो आप सभी लोगों को एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा और आपको यदि अच्छी CG लानी है तो आपको वो ढंग से पढ़ के देना पड़ेगा। सिंस कोरोना की वजह से आपको भी पता है कि पूरा के पूरा सेमेस्टर शायद श्रिंक हो गया है, तो आपके लिए और डिफिकल्ट हो गया है कि आप
उतने छोटे से टाइम पे आपको सीखना पड़ेगा कोडिंग। तो बेस्ट थिंग है आपके लिए अभी इन 2 या 3 महीने में आप बेसिक पूरे लैंग्वेज कोई सी भी एक सीख लीजिए, चाहे वो सी हो, C++ हो या जावा हो, कोई सी भी एक लैंग्वेज आप लोग अभी से सीख लीजिए। और इस पे हम लोग एक अगली कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल्ड हम लोग एक रोड मैप बनाएंगे कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो सीखने के लिए C++ या जावा कोई सी भी एक लैंग्वेज, और कहां से आपको क्वेश्चंस करने, कैसे आप उसमें एक्सेल कर सकते हो, इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो बनेगी। नाउ फिफ्थ चीज जो हम लोग के सामने आती है वो है फिटनेस। तो देखो ऐसा है यार कि अभी इतनी तैयारी करने के कारण अक्सर, मतलब सभी लोगों के साथ होता है, मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि सब लोग या तो बहुत पतले से एकदम मोटे हो जाते हैं, बहुत अनफिट हो जाते हैं, या तो कोई पतले लोग रहते हैं वो और पतले हो जाते हैं, एकदम डंडी सी यूं हो जाते हैं। तो देखो ये सारी चीजें ना बहुत कॉमन है, क्योंकि हमने इतनी प्रिपरेशन करी, हम लोग बस खाए ज्यादा कुछ हमने वर्कआउट नहीं करा। तो इस चीज को अब हम लोगों को अपना वेट लूज करना है यदि आप लोग बहुत मोटे हैं। और मैं खुद बता रहा हूं, जब मैं 11th में जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो मैं आपको अभी एक साइड में आपकी फोटो दिखाऊंगा कि मैं एकदम पतला सा था, और फिर 12th में मैं एकदम मोटू मैन हो गया था, मोटू मैन एकदम। और फिर जैसे ही अब कॉलेज में गए, फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत वर्कआउट करा, हम लोग रनिंग थोड़ी बहुत करते थे और बाकी इतना कॉलेज में चलना पड़ता था, तो उससे अभी थोड़ा वेट कंट्रोल हुआ है। तो आप लोगों के लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि आप यदि अभी से एक्सरसाइज करोगे इन 2-3 महीने में, तो आपका वेट काफी कंट्रोल हो जाएगा और आपको खुद में कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप कॉलेज जाओगे कि हाँ मैं सही दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी फिट है। तो अपने बॉडी पे सबसे ज्यादा हम लोग को अब ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, सो सिक्स्थ पॉइंट है एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डोमेन्स। तो देखो ऐसे बहुत लोग होंगे कि भैया हमारी तो कुछ ज्यादा हॉबीज नहीं है, हम लोग स्कूल में भी ज्यादा कुछ करे नहीं थे, तो अब हम लोग क्या करें। तो देखो 2 या 3 महीने इतने इनफ है कि तुम लोग अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट डोमेन्स। फॉर एग्जाम्पल तुम ग्राफिक डिजाइनिंग करके देखो क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम वीडियो एडिटिंग ट्राई करके देख लो, तुम स्टॉक मार्केट में एक बार पढ़ के देख लो कि स्टॉक मार्केट तुम्हें फैसिनेटिंग लग रहा है क्या, ये ग्राफ ऊपर नीचे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तुम यूट्यूब, तुम्हें खोलने का मन था, तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है, तो तुम यूट्यूब खोल सकते हो। तो इस तरीके से तुम अलग अलग डोमेन अभी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चीज तुम करोगे ना, तो इससे तुम्हें एक और फायदा है कि तुम्हें पैसिव इनकम आने के भी चांसेस होंगे इन फ्यूचर। पैसिव इनकम में मतलब क्या होगा कि तुम्हारा तुम मस्त कॉलेज में पढ़ोगे भी और साइड बाय साइड ऐसे इनकम भी आती जाएगी तुम्हारी हॉबी से। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है, मस्त फिर तुम कॉलेज में बहुत सारी चीजें भी कर सकते हो यदि पैसिव इनकम आएगी तो। तो इसीलिए हम लोगों को अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करनी है। जो 7th पॉइंट है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल पॉइंट है, दैट इज डोमेस्टिक स्किल्स डेवलप करना। डोमेस्टिक स्किल्स बोले तो कि आप लॉन्ड्री वाला, मतलब कि आप कपड़े कैसे धोते हैं, थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज रहेगी क्या चीजें होती। क्योंकि देखो मेरे साथ तो हादसा हो गया था, जब मैंने पहली बार जब कॉलेज में अपने हॉस्टल में कपड़ा धोए था तो क्या हुआ था ना, एक रिएक्शन हुई थी खतरनाक। दैट वॉज कि वन व्हाइट टी शर्ट रिएक्ट विद ब्लैक टी शर्ट इन प्रेजेंस ऑफ Na2SO4.10H2O एट रूम टेम्परेचर रिजल्टेड इन अ ग्रे टी शर्ट इन अ लेस ब्लैकर टी शर्ट। तो ऐसी कोई रिएक्शन आपके साथ ना हो, इसीलिए आप थोड़ा बेसिक नॉलेज इसका रखें, और थोड़े कुकिंग का भी आप बेसिक नॉलेज लेके आए, ताकि कुछ भी आपको एकदम रात में बनाना पड़ जाए तो आप बना पाए। ऐसा ना हो कि हमें तो बिल्कुल नहीं आता, हमें तो गैस चालू करते नहीं आता, ऐसी वाली चीज ना हो। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी और अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस मैं अभी पोस्ट करने वाला हूं, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें। इसीलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक तो कर ही दो, बस क्लिक करना क्लिक, और सब्सक्राइब कुछ नहीं, रेड बटन रहता है राइट हैंड साइड पर रहेगा, उसको फप से क्लिक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।